हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज हम पेरिमीटर और एरिया पर बेस्ड एक एक्टिविटी करेंगे। इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दोनों टर्म्स हैं पेरिमीटर एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल, हम अपने डेली लाइफ में कैसे इनका यूज करते हैं और कहाँ करते हैं। देखिए अपने आसपास हम कितनी तरह की शेप्स देखते हैं बेटा, है ना। हर चीज में हमें एक अलग शेप दिखाई देती है और आप इन शेप्स को अच्छे से जानते भी हैं। जैसे ये एक आयत है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये एक वृत्त है ना, वर्ग है, ये एक त्रिभुज है और ये देखिए ये कोई भी एक बहुभुज है ना। तो ये सारी शेप्स ऐसी हैं जिन्हें अगर मैं इस प्लेन सरफेस पे रख देती हूँ, देखिए इस तरीके से ये सरफेस है, तो इस ये सरफेस से बिल्कुल ऊपर या अलग नहीं हट रहे हैं, बिल्कुल इसके साथ एक जैसे हो गए हैं, है ना, इसके साथ ऊपर नहीं उठ रहे, इसके साथ मिक्स हो गए हैं। तो ऐसी सभी शेप्स बेटा 2D कहलाती हैं, टू डायमेंशनल, जिनके सिर्फ हम लंबाई और चौड़ाई दो चीजों के बारे में जान सकते हैं। और ऐसी ही आकृतियों का हम क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। अब हम ये देखते हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है बेटा, जैसे ये मेरे पास एक फिगर है, परिमाप, जैसे आपने परिक्रमा वर्ड सुना होगा, मंदिर के चारों तरफ हम कहते हैं ना, आपने डेली लाइफ में बहुत सुना होगा कि हमने परिक्रमा की, इसका मतलब मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाए। ऐसी परिमाप मतलब चारों साइड्स का, या किसी की 5 साइड है, किसी की 3 साइड्स है, तो उन सभी साइड्स के आसपास हमें चक्कर लगाना है, उसे नापना है, उसका मेजरमेंट करना है कि वो कितना है टोटल में, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी बाउंड्री के साथ साथ घूमते हैं तो वो पेरिमीटर कहलाता है। अब देखिए, मानिए कि ये मेरे पास एक ये आयत था, ये कौन से कलर का है, पिंक कलर का। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए इसमें कितना पिंक कलर लगा है करने में इसको, तब आप इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, एरिया। तो इसके अंदर हमें जब देखना है तो हम एरिया निकालते हैं, और जब इसकी बाउंड्री के साथ साथ हमें चलना है तो हम पेरिमीटर या परिमाप निकालते हैं। अब हम कुछ फिगर्स का एरिया और पेरिमीटर निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए मेरे पास कुछ फिगर्स बनी हुई हैं और ये बेटा एक एक यूनिट का वर्ग। क्षेत्रफल के नापने के लिए हम इन वर्गों का यूज करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, सभी का, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, इन्हीं स्क्वायर यूनिट्स की सहायता से आपका एरिया निकाला जाएगा, क्योंकि अदरवाइज तो कोई कैसे निकालेगा, है ना। तो अब मेरे पास ये फिगर है, मैंने इसके ऊपर ये अपने फिक्स कर दिए, ये देखिए। अब मैं इसको काउंट करूंगी कि इसका एरिया कितना है और इसका परिमाप कितना है। तो जब हमने परिमाप निकालना है तो मुझे क्या करना है बेटा, इसकी बाउंड्री के साथ साथ चलना है ना, तो हम एक बाउंड्री फिक्स कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ से चलना शुरू करा, अब मैं इसे काउंट करना शुरू करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, पेरिमीटर हमारा आ गया 18 यूनिट, ठीक है। अब हम इसका एरिया देखेंगे, एरिया के लिए मुझे अंदर के स्क्वायर्स गिनने हैं, सो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एरिया कितना है 9 स्क्वायर यूनिट। यूनिट में आपको पता ही है मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हमें दिया होता है। अब ऐसे हम अपनी बी फिगर को काउंट कर लेते हैं, हमने सेट कर लिया बी पे। अब इसका पेरिमीटर निकालते हैं, तो पेरिमीटर के लिए हमेशा एक साइड फिक्स करनी है, तो मैं यहाँ से फिक्स कर रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो इसका पेरिमीटर कितना हो गया 16 यूनिट। अब जब एरिया है तो अंदर के स्क्वायर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्क्वायर यूनिट। अब हमारा हम सी फिगर पे चलते हैं, ये
देखिए, हो गया पूरा अच्छे से कवर। बताइए इसका पेरीमीटर काउंट करते हैं। हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, इस साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसका पेरीमीटर भी कितना हो गया, 16 यूनिट इकाई। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, एरिया 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर कोई भी दो डायमेंशनल फिगर है तो मैं उसका एरिया और पेरिमीटर आराम से निकाल सकती हूँ। जैसे सपोज एक ये ले लेते हैं, डी यहाँ से चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो डी फिगर का पेरिमीटर कितना हुआ, 10 यूनिट, और एरिया कितना बना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्क्वायर। ऐसे कोई भी फिगर हो हमारे पास, हम इजीली उसका एरिया और पेरिमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप भी कुछ ऐसी ही शेप्स बनाइए और उनका एरिया और पेरिमीटर काउंट कीजिए और इस एक्टिविटी को एंजॉय कीजिए और कंसेप्ट को अच्छे से समझिए बेटा। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।